नमस्कार। क्लास टेंथ में व्याकरण विषय में रस प्रकरण हम अध्ययन कर रहे थे। रस में 5 वीडियो मैंने आप तक भेजी है, आज ये 6th वीडियो है। इसमें रौद्र रस पर ये वीडियो है, पूरी वीडियो देखिएगा। और रौद्र रस का जो स्थाई भाव है क्रोध है। अर्थात जब कोई ऐसी घटना किसी के साथ घट जाती है तो उसके हृदय में सोया हुआ स्थायी भाव क्रोध जागृत हो जाता है, और यही क्रोध आगे चलकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस में पुष्ट होता है। उदाहरण के लिए, महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में अर्जुन को श्री कृष्ण के साथ कहीं दूर जाना पड़ा युद्ध के लिए ही, षड्यंत्र के तहत उनको भिजवाया गया था और कौरव सेनाओं के द्वारा चक्रव्यूह बनाया गया। उस चक्रव्यूह में युद्ध करने की क्षमता अर्जुन के अलावा और किसी में नहीं थी पांडवों की तरफ से। अभिमन्यु वहां तक जा सकता था लेकिन वापस आने में कठिनाई थी, फिर भी अभिमन्यु गया, सभी दरवाजे तोड़ दिए, भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सभी योद्धाओं ने मिलकर उस बालक महारथी को युद्ध के नियमों के विपरीत उसकी हत्या कर दी, और इस हत्या का समाचार जब अर्जुन के पास पहुंचा तो उनकी क्या दशा होती है, उनके हृदय में किस प्रकार से स्थायी भाव क्रोध जागृत होता है, एक कविता के माध्यम से सुनिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से युद्ध के नियमों के विपरीत महारथियों द्वारा की गई यह समाचार मिला तो उनके हृदय में जो सोया हुआ स्थायी भाव क्रोध था वह जागृत हो गया। इसलिए अर्जुन अर्जुन विषय हो गए। किस कारण से जागृत हुआ? युद्ध के नियमों के विपरीत और जयद्रथ द्वारा जो किया गया
उन सब कारणों से उनका उनके हृदय में सोया हुआ स्थायी भाव क्रोध जागृत हुआ। तो विषय जयद्रथ उद्दीपन युद्ध के नियमों के विपरीत अभिमन्यु की हत्या, ये जो अभिमन्यु की हत्या नियमों के विपरीत हुई, यह घटना यह प्रकरण यह उनके हृदय के स्थायी भाव क्रोध को और आगे बढ़ाता है। और उसके बाद अनुभव देखिए, उस काल मारे क्रोध के, तो क्रोध करना अनुभव है, तन कांपना अनुभव है, क्रोध करना तन कांपना शरीर कांपना और संचारी भाव आवेग श्रम असूया उत्सुकता, ये संचारी भाव। इस प्रकार से जो अर्जुन के हृदय में सोया हुआ स्थायी भाव क्रोध था, वह विभाव अनुभाव और संचारी भाव, विभाव निपुण विभाव है, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस के रूप में पुष्ट होता है। ऐसे एक और उदाहरण देखिए, दुष्ट दुशासन समर में फिर शीघ्र सम्मुख आ गया, दुष्ट दुशासन समर में फिर शीघ्र सम्मुख आ गया, निश्वास बारंबार उसका उष्णतर चलने लगा। यह भी उसी युद्ध की घटना है। अभिमन्यु एक से एक द्वार तोड़ते हुए आगे को बढ़ रहे हैं और ऐसे में दुष्ट दुशासन जब उसके उसके सामने आता है अभिमन्यु के, तो अभिमन्यु का जो क्रोध है वह और ज्यादा जागृत हो जाता है। उनके हृदय में जो स्थायी भाव क्रोध जागृत था वह आगे बढ़ जाता है, क्योंकि दुशासन ने उनकी माता का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया था, चीर हरण के इस प्रयास का दृश्य जब उनके मस्तिष्क में आया तो उनके हृदय में सोया हुआ स्थायी भाव और तीव्र हो गया। और इस प्रकार से अनुभव देखिए क्या हुआ, अनुभव निश्वास यानी श्वास जो है बार बार उनकी श्वास और तेज बढ़ने लगी, निश्वास बारंबार उसका उष्णतर होता गया यानी और क्रोध से जलने लगा। तो इसमें जो है स्थायी भाव क्रोध विभाव आश्रय आश्रय अभिमन्यु है, अभिमन्यु ये आश्रय अभिमन्यु क्यों है, क्योंकि अभिमन्यु के हृदय में ये स्थायी भाव क्रोध जागृत हुआ है। और किसके कारण जागृत हुआ, विषय जयद्रथ है, जयद्रथ
नहीं जयद्रथ नहीं, क्षमा कीजिएगा, दुशासन। दुशासन के कारण यह स्थायी भाव क्रोध और ज्यादा जागृत हो गया। इसके बाद उद्दीपन युद्ध का वातावरण, अनुभव श्वास तीव्र गति से चलना, क्रोध आना, और संचारी भाव चपलता उग्रता आवेग अमन असूया, यह संचारी भाव होगा। इस प्रकार से जो स्थायी भाव क्रोध अभिमन्यु के हृदय में जागृत हुआ, विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रौद्र रस के रूप में परिणत हो जाता है। इसी तरह से परशुराम लक्ष्मण संवाद में कुछ दोहे चौपाइयां रौद्रस का सुंदर उदाहरण है। जब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि बहुधनुनि तोरी लड़िकाई कबहुन आश्रय सकी निगोसाई, यही धन पर ममता के हेतु, जब परशुराम जी को उन्होंने कहा कि बहुत सारी धनुनियां हमने तोड़ी हैं, तो परशुराम जी के हृदय में जो सोया हुआ स्थायी भाव क्रोध था, जो जगा हुआ ही था, वह और तीव्र हो गया। और उस समय वो कहते हैं कि रे नृप बालक कालवश, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभाल, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभाल, और धनु ही सब त्रिकुणार धनु विदत सकल संसार। परशुराम जी जब वहां आए और उन्होंने शिव जी की धनुष को टूटा हुआ देखा, तो उनके हृदय में जो स्थायी भाव क्रोध था वह जागृत हो गया। अब क्रोध जागृत हो गया, परशुराम जी ने कहा तो क्रोध जागृत हो गया, जब तो परशुराम जी यहां पर आश्रय हो गए, आश्रय परशुराम जी। विषय शिव जी की धनुष का टूटना, और उद्दीपन का काम कर रहा था लक्ष्मण का संवाद, जो लक्ष्मण बार बार उत्तर दे रहे थे, वह परशुराम जी के क्रोध को और उद्दीप्त कर रहा था। तो उद्दीपन लक्ष्मण का संवाद, लक्ष्मण जी का
इसके बाद अनुभव, अनुभव धमकी देना, परशुराम जी द्वारा धमकी देना कि रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, बोला तो कहीं ना संभाल, तू संभल के नहीं बोलता। धनहीन सम त्रिपुरार धन विदत सकल संसार। तो परशुराम जी द्वारा धमकी देना, बाहें ऊपर करना और मानने की धमकी देना, अनुभव हो गया। हाथ उठाकर ललकारना, संचार, ये अनुभव हो गया। परशुराम जी द्वारा मारने की धमकी देना, हाथ उठाकर ललकारना और संचारी भाव, आवेग, असूया, अमर, उत्सुकता, चपलता, उग्रता, ये सब होंगे संचारी भाव। इस प्रकार से स्थायी भाव क्रोध, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस के, रौद्र रस के रूप में पुष्ट होता है। तो रौद्र रस पर मैंने आज आपको कुछ कविताओं के माध्यम से किस प्रकार से रौद्र रस पुष्ट होता है यह बताया। आप परशुराम लक्ष्मण संवाद की पूरी कविता में वीर रस रौद्र रस के सुंदर उदाहरण है। इसमें आप वीर रस का अलग से और रौद्र रस पर अलग से पंक्तियां छाट करके और उन्हें रस की कसौटी पर, विभाव अनुभाव और संचारी भाव की कसौटी पर पुष्ट करिएगा। यह आपके लिए गृह कार्य है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।